जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा, नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे रोहिणी। रोहिणी अभया, ओ अभया। क्या है माँ? इतनी रात हो गई, रोहिणी नहीं आया अभी तक। आ जाएगा माँ, चिंता क्यों करती हो? आधी रात हो गई है, अब क्या आएगा? ऐसा तो उसने पहले कभी नहीं किया। जरूर तूने कुछ उल्टी सीधी बात की होगी, जब देखो उस पर लाल पीली होती रहती है। कल सवेरे ही जाकर उसकी खोज खबर लेना। सवेरा तो होने दो माँ, अब तुम सो जा। आओ आओ। तू जा, जाकर सो जा, मुझे कहाँ नींद आएगी। जा, जाकर सो जा, मैं जाग रही हूँ। राम 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 हरे राम हरे राम राम। बहुत अच्छा। अरे बाबूजी, हरे चंदन लीजिए ना। बस बस, देखा बाबूजी, हमारी ये उजाड़ झोपड़ी कैसे जगजग कर रही है, मानो आपके चरणों की धूल का कण कण दिए की ज्योत बन उठा है। अरे वाह, तुम तो कविता ही बोल लेते हो रोहिणी। अरे नहीं बाबूजी, क्यों थट्टा उड़ाते हो गरीब रोहिणी का। बाबूजी, हम आपको एक बात बताते हैं। हमारे पिताजी को भविष्यवाणी होती थी, जानते हैं वो हमारे बारे में क्या कहते थे? बताओ। कहते थे, हो सकता है रोहिणी किसी दिन सूरज पश्चिम से निकल आए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि तू किसी दिन आदमी बन जाए। तू जन्म भर घोचू का घोचू ही रहेगा। ये घोचू का मतलब? अब क्या पता। और हमारी कहां हिम्मत जो हम अपने पिताजी से पूछे कि आप हमें घोचू बोल रहे हैं तो उसका मतलब भी समझाइए। और अब युग बीता, वो स्वर्गवासी भी हो चुके हैं। अब घोचू का मतलब समझिए भेद ही रहेगा। रोहिणी, तुम्हारे बारे में एक बात जो तुम्हें खुद को नहीं मालूम है वो मैं तुम्हें बताता हूं। हाँ, पर कृपा करके शब्द ऐसा बताइएगा जिसका मतलब हमारी समझ में आए। तुम्हारे अंदर एक महान कवि की आत्मा है। अरे नहीं बाबू, हमको तो काकी गूंगा कहती है। पर अब भाग्य से आप जैसा गुरु पा लिया है, तो जब तक आप हमें थोड़ा सा कवि नहीं बना देंगे, हम आपके चरण पकड़कर आपकी सेवा करते रहेंगे। और रही आत्मा की बात, तो जब आपको गुरु माना है तो अपनी आत्मा का भेद आपको बता देते हैं। तुम अपनी आत्मा का भेद पा गए हो क्या? हाँ, 9 वर्ष की उम्र थी हमारी तब पाया था ये भेद। अच्छा रोहिणी, अगर आदमी अपनी आत्मा का भेद पा जाए तो वो तो परमात्मा का हिस्सा बन जाता है। अरे नहीं नहीं बाबूजी, ये जो आत्मा इस हरे चने के भीतर छुपी है ना, वही हरे चने, वही आत्मा परमात्मा ने हमारे रोम रोम में बसाई है। आप जरा खाइए ना इन्हें। रोहिणी, तुम्हारे और इस हरे चने दोनों के भीतर एक ही आत्मा है क्या?
हम दोनों के भीतर ही नहीं बाबूजी, हम तीनों के। तीनों के? एक प्राणी और भी है। ये तीसरा कौन है? अरे अभया, बड़े अच्छे समय पर आ गई। देखो हमने अपने अतिथि रुद्र बाबू के लिए हरे चने बनाए हैं। नमस्कार। अच्छा तो अब तुमको माँ की भी चिंता नहीं रही? ये भी ध्यान नहीं आया कि बिना कुछ बताए रात भर गायब रहोगे तो उसकी तो नींद उड़ जाएगी। इसी चिंता से नींद तो हमको भी नहीं आई रात भर, पर इनकी सेवा में देखिए ना कितनी सारी चीजें बना ली हैं, जैसे किसी राजा का स्वागत हो। आप भी खाइए ना, आप नहीं खाएंगी तो ये चीजें अपने दुर्भाग्य पर रोते रोते पानी पानी हो जाएंगी। वाह क्या कविता बोली है, क्यों है? कृपा करके मुझे क्षमा करें आप, माँ को जाकर बताना है, बड़े आनंद में है। अरे अभया तो अतिथि को देवता से भी महान समझती है, वो तो हमारी भूल पर नाराज थी। हाँ और दोष हुआ भी है हमसे, हम अभी जाकर काकी से क्षमा मांग लेते हैं। अगर हमें आने में देर सवेर हो तो हमारी झोपड़ी को अपना ही घर समझकर विश्राम कीजिएगा। तुम चिंता मत करो। क्यों नहीं आया? अरे तू बोलती क्यों नहीं, कब से पूछ रही हूं मैं। तूने उसे बताया था कि मैंने बुलाया है? कहा था माँ, कहा था, फिर भी नहीं आया। तब तो जरूर तेरी उसी बात पर उसका मन रूठा होगा। पता नहीं तुझे इन दिनों क्या हो गया है, हर वक्त जैसे अपने आप से ही लड़ती रहती है। इतना भी नहीं सोचती कि आज हम उसी की वजह से जीवित हैं। तेरे पिता के मरने के बाद हमें कोई पूछने वाला भी नहीं था। जीवन की सारी कड़ी धूप अपने ऊपर छेलकर उसने हमें छाया में बिठाए रखा। मैं खुद ही जाकर मना लाती हूँ उसे। माँ माँ सुनो तो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अरे काकी। रोहिणी आ गया तू? कहाँ जा रही थी काकी? बेटा कहाँ था कल से, न कोई खोज न खबर, तेरी काकी पर क्या गुजरेगी ये भी नहीं सोचा तूने। अरे काकी क्षमा कर दो काकी, आओ बैठो। बेटा कितनी चिंता थी तेरी मुझे, मैं रात भर नहीं सोई। अच्छा काकी कान पकड़ कर कहते हैं अब कभी ऐसा नहीं करेंगे, हम धर्म संकट में फंस गए थे। कैसा धर्म संकट बेटा? अरे ये तो बहुत लंबी कहानी है, हम पहले पानी भर देते हैं। वैसे अभया को तो सब मालूम है। अरे अभया कैसा धर्म संकट है बेटी? कुछ नहीं माँ, वो तो बावला है। रोहिणी जी महाराज, वो कौन सा शुभ दिन होगा जिस दिन आप अपनी बुद्धि से काम करना सीखोगे? अरे बुद्धि भगवान ने दी ही नहीं तो सीखेंगे क्या, पर दोष तो बोलो। तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा? अरे एक मेहमान हमारे गांव में आया, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, उसकी सेवा ना करे तो हमें पाप नहीं लगता? घर में किसी को मेहमान रखना पाप नहीं, मगर पंडित जी का मेहमान जो उनसे विदा लेकर चला गया और फिर भी गांव में इधर उधर भटकता हो, रात भर बांसुरी बजाता हो, अगर तुम उसे अपने ही घर में मेहमान रखो तो गांव में हमारे लिए चर्चा नहीं होगी। अरे देवा ये हमने क्या किया, बड़ी भयंकर भूल हो गई हमसे। अभया, ओ अभया। आई माँ घोंचू। रोहिणी तुम वापस आ गए? हाँ। देखा तुमने, मैं तुम्हारे घर को अपना ही घर समझ रहा हूँ। जी बड़ी कृपा है आपकी। तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? हाँ बाबूजी हम उस शब्द का मतलब पा गए तो उल्टे पर आपको बताने आना पड़ा। किस शब्द का मतलब? वही पिताजी का शब्द
घोचू। अच्छा, क्या मतलब है उसका? घोचू का मतलब है जो जन्म भर भूल से भी कोई काम ठीक न कर पाए, मतलब हम। रोहिणी, तुमने क्या गलत काम किया है? अब यही देखिए ना बाबूजी, आप पंडित जी के मेहमान थे, उनसे विदा लेकर गांव से चले गए, पर गांव से गए नहीं, अब उनको तो पता चले गए ना कि आपने उनसे झूठ बोला। पर भले उनके भलाई के लिए सही, अरे पर ये गांव है, इस बात को भी वो अपना घोर अपमान समझ बैठेंगे, और अगर वो हमसे रुड़ गए तो हमारा क्रियाकर्म भी नहीं हो पाएगा। पर रोहिणी, तुम ही तो मुझे अपने साथ लेकर आए थे, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। हम अपना ही दोष आपको बता रहे हैं बाबूजी। अब एक बार हमारे लिए आपको उनके पास चलना पड़ेगा, आप अपने भूल की क्षमा मांग लीजिएगा, हम उनके पाँव पकड़कर आज्ञा ले लेंगे कि हम ही आपकी सेवा करते रहे। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ रोहिणी, मैं यहां से चला जाऊंगा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, ये मैंने कब कहा? तुमने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से तो सब कुछ देख लिया है, अब मेरा यहां रहना पाप हो गया है। मुझे मालूम है अभय जी को मेरा यहां रहना शायद अच्छा नहीं लगा है। तुम चिंता मत करो, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है मैं उसी के लिए जन्म भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। रोहिणी, अरे ये लकड़ियां तो हम धूप में सुखाने डाल गए थे, जलाने की सूखी लकड़ियां ये यहां पड़ी है। चलो हम जलाए देते हैं। रहने दो। और बिना बताए तुम चले कहां गए थे? अरे चलता करने गए थे घर से। चलता? हाँ। किसे? अरे वही जिसको अपने घर हमने भूल से लाकर रखा था। अब क्या उनसे कहा कि निकल जाओ? अरे इतने पागल तो नहीं है हम, तरकीब से कहा। हाँ, कहा के आप पंडित जी के मेहमान हैं, उनकी आज्ञा बिना हमारे घर में रहने की क्षमा मांग लीजिएगा, हम विनती करेंगे कि वो आपको हमारे घर में रहने की आज्ञा दे दे, हम तो आपकी जब तक कहे सेवा करते रहेंगे। विद्वान आदमी है, समझ गए और कहने लगे कि तुम ये सारी चिंता छोड़ दो रोहिणी, मैं तुम्हारे घर से चला जाता हूं। मैं समझ गया अभया जी को मेरा यहाँ रहना बुरा लगा। रोहिणी, तुमने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, क्या करूं मैं? घर में रखा तो फटकार, हटा दिया तो और दोगुनी फटकार, अरे क्या करे रोहिणी, फिर ले आए जाकर क्या? भैया। हाँ माँ। आज कितने दिनों से ये बांसुरी की आवाज सुन रही हूँ, कितनी मधुर बजाता है, कौन है ये? रात बहुत हो चुकी माँ, सो जाओ। हाँ बेटी।
रोहिणी, इतनी रात गए, क्या बात है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या कोई समस्या खड़ी हो गई है रोहिणी? हाँ बाबू, समस्या तो बड़ी गंभीर है। तो मुझे बताओ, मैं शायद कोई उपाय निकाल सकूं। जब आप ही कारण है तो उपाय भी आप ही को निकालना पड़ेगा। मैं? बाबू साहब, एक जाहिल गवार को आप जैसे ज्ञानी विद्वान को क्या यह बताना पड़ेगा कि आपका शहर नहीं एक छोटा सा गांव है। यहां जरा सी बात इस तरह फैलती है जैसे सूखे जंगल में आग। आपका इस तरह गांव में भटकना, रातों को बांसुरी पर उसी भजन की धुन बजाना जो मंदिर में अभया ने गाया था, क्या गांव वालों की नजरों में छुपा रह सकता है? गांव में इस बात के चर्चे शुरू हो गए हैं। आप तो परदेसी है बाबू, आज नहीं तो कल चले ही जाएंगे, लेकिन एक निष्पाप निर्दोष लड़की गांव वालों की नजरों में गिरकर क्या अपना जीवन बिता सकेगी? मैंने तो अपने मन में उसे देवी से भी ऊंचा स्थान दे रखा है रोहिणी। मैं सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने कभी नहीं चाहा कि उसके आंचल का जरा सा कोना भी मैला हो। तो फिर आप यहां क्यों हैं? उस घड़ी की आस में जब मैं उससे मिलकर अपने पाप की क्षमा मांग सकूं। मेरा दुर्भाग्य देखो रोहिणी, उसने मेरी भक्ति को, मेरी पूजा को पाप समझ लिया। इतना बड़ा बोझ लेकर मैं कहां चला जाऊं रोहिणी? एक बार, बस एक बार मेरे सामने आकर वो मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं सौगंध खाकर कहता हूं रोहिणी, मेरा विश्वास करो रोहिणी। हम आपकी भावनाओं को कुछ कुछ समझ रहे हैं बाबू। अरे हम तो कुछ भी नहीं, मगर जो भी बन पड़ता है करते हैं। चलता हूं। आप ये बांसुरी बजाना बंद कर दें। मैं पूछती हूँ, चौधरी बनकर इतनी रात को उसके यहाँ जाने को किसने कहा था? इस घर की मान मर्यादा हमारी भी मान मर्यादा है। हमने तुमको बोला नहीं, लेकिन गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। कानाफूसी? किस बात की? उसी बात की जिसका तुमको डर था। ये रात रात भर गांव में बांसुरी का बजना और धुन भी बस वही एक तुम्हारे भजन की। वही समस्या निपटाने गए थे। अब बात यह है कि उनके मन में तुम्हारे लिए बड़ी प्रेम भक्ति है। चुप हो जाओ। भक्ति? छी। हाँ यही तो, तुम उनकी भक्ति को पाप समझ बैठी हो और ये बात तीर बनकर उनके मन में गड़ गई है। एक बार तुमसे क्षमा मांगकर अपने मन को शांत करना चाहते हैं। अब हमारा प्रस्ताव यह है कि एक बार हमारे साथ चलकर उनसे मिल लो। आप अपना प्रस्ताव अपने पास रखिए। जन्म में एक बार तो हमारा कहा मान लो। चले चलो हमारे साथ 5 मिनट के लिए। एक मिनट भी नहीं, पल भर को भी नहीं। अब तो ये समस्या और भी कठिन हो गई रोहिणी महाराज।